हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार, लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम महर्षि मार्ग इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी हरियाणा मुलाना। अगर आप भी बिहार से आना चाहते हो एमएमडी यूनिवर्सिटी में और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आना चाहते हो तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, आपको सही और सटीक जानकारी मिलने वाली है मेरे वीडियो से। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे वीडियो के माध्यम से कि ऐसे करो वैसे करो, या कोई आपको जानकारी दे देते हैं, बाद में क्या होता है कि आप किसी वजह से, कोई चाहता नहीं है कि आपका एडमिशन गलत हो, या कोई भी नहीं चाहता कि आपका एडमिशन गलत हो। बाकी बहुत लोग बोलते हैं कि आप किसी काउंसिल से एडमिशन नहीं लो, इससे एडमिशन नहीं लो, उससे एडमिशन नहीं लो, किसी से भी भाई, जिससे भी आपका मन हो, जिससे आपका काम कंप्लीट हो, यानी कि एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाए, आप उससे एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो कि क्या प्रोसेस है और कैसे एडमिशन हम ले पाएंगे एमएमडी यूनिवर्सिटी में। अगर आपको वहां से हेल्प नहीं मिल रहा है, एमएमडी के साइट से या एमएमडी के हेल्पलाइन से नंबर नहीं मिल रहा है, आप मेरा वीडियो देखो और वहां से मैं आपको नंबर दे दूंगा, या कुछ जैसे भी आपको लगे आप वहां से मेरे से पूछ सकते हो कि कैसे हो पाएगा एडमिशन या कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि 2024 और 26 के लिए, अगर आप कोई बच्चा जो है बिहार जो भी है, अभी एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आने वाले है कुछ दिन में, तो बहुत सारे स्टूडेंट देख भी रहे होंगे कि कॉलेज की कौन अच्छा कॉलेज है, कौन डीआरसीसी से अप्रूव्ड है। तो ये भाई सबसे पहली बात, एमएमडी में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इस बार मिलेगा, यानी 2024 और 26 के लिए। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो बेशक आप इसमें एडमिशन ले सकते हो सारे कोर्स के लिए, जैसे बीटेक सीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक में बीबीए बीसीए एग्रीकल्चर बीपीटी, ये सब सारे कोर्स में आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट का फायदा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो और रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं नंबर दे दूंगा इसके नीचे या डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहां से मेरे को मैसेज कर सकते हो। और फी स्ट्रक्चर के बारे में, फी स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीटेक सीएससी की, क्योंकि बीटेक सीएससी काफी बच्चे इस बार कर रहे हैं। तो बीटेक सीएससी का फी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का लगभग 8 लाख फी है, इंक्लूडिंग हॉस्टल और फी, जो भी फी स्ट्रक्चर होगा वो पैकेज में होता है, और ये हॉस्टल और आपके ट्यूशन फी को मिला के होते हैं, एग्जाम फी वगैरह सब उसी में होते हैं, ठीक है। ये 8 लाख फी है इस बार का, जिसमें आपको एक सबसे पहली बात कि आपको एक बोनाफाइड बनवाना होता है कॉलेज में, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे 1200 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता है भाई, किसी को भी आपको पैसा नहीं देना है, 1 रुपया भी 1200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन 1200 मात्र लगते हैं। और आपको बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये कर लो वो कर लो, आपको कुछ नहीं करना, आप केवल डायरेक्ट एमएमडी के लिंक पे जाइए या जैसे भी हो आप वहाँ से कर लो, तो वहाँ से हेल्प नहीं मिलता है, अदरवाइज मैं आपको हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये नहीं बोलो, कोई बोलता है कि काउंसिल से नहीं किए वो फलाने, कोई नहीं चाहता कि आपका एडमिशन खराब हो, बट कोई इशू हो जाता है वो बस, उससे कोई खराब नहीं होता है मेरे भाई, जहाँ से आपका काम हो जाए वही बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन आपका 1200 रुपये लगता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, स्टेप वाइज स्टेप आपको बताते चलूंगा, तो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, 1200 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है, और 4-5 पेज का आपको एक प्रोस्पेक्टस मिल जाता है, और 1200 का स्लिप भी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली आपको क्या करना है, आपको बोनाफाइड के लिए पे करना होता है, और बोनाफाइड आप जैसे पे करोगे, जैसे बीटेक सीएससी के लिए आपको 1 लाख पहले ही आपको, मतलब फर्स्ट में आपको जमा करना होता है रिपोर्टिंग टाइम से पहले, यानी बोनाफाइड के लिए, और बाकी कोर्स के लिए 5000 आपको पे करना है, जैसे आपका बोनाफाइड के लिए, ठीक है। तो आपको बोनाफाइड आफ्टर फ्यू मंथ्स यानी 2-3 मंथ के बाद आपको चला जाता है, आप डीआरसीसी करवाते हो, फिर एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जब रिपोर्टिंग के टाइम आते हो तो कुछ पैसा आपको जमा करना होता है। तो ओवरऑल ये आपका फी स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 8 लाख फी है, जिसमें आपको एडवांस 1 लाख देना हो बोनाफाइड के लिए, बाकी सब कोर्स का जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, और बायोटेक इंजीनियर होगा, 5,50,000 है, जिसमें आपको 4 लाख टीआरसीसी मिल जाएगा, बाकी आपको 5000 बोनाफाइड के लिए, बाकी जितना भी रिमेनिंग फी होगा रिपोर्टिंग टाइम का आपको देना होगा फी। बीबीए बीसीए 4,25,000, एमबीए का भी 4,25,000, इंक्लूडिंग हॉस्टल वगैरह सारा चीज है। और बीपीटी की बात कर लेते हैं, तो बीपीटी का 7.5 लाख फी है, 7.52 लाख, ठीक है।
अगर आपको ये फीसट्रिप चाहिए, अगर आपके पास नहीं हो, अगर आप कॉलेज देख रहे हो, तो MMDU अच्छा कॉलेज है, ओवरऑल अच्छा कॉलेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो MMDU से रिगार्डिंग, एडमिशन से रिगार्डिंग, या कोई प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, प्लेसमेंट का कोई भाई नहीं पूछना है, प्लेसमेंट भाई सेल्स की कंपनियाँ ही है बहुत ज़्यादा, सारे डिपार्टमेंट में लगभग कंपनियाँ ही है, जिसको जाना है वो गया भी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्लेसमेंट भी होता है, ओवरऑल अच्छा प्लेसमेंट है, सबका प्लेसमेंट हो भी गया है, तो आप आराम से इस कॉलेज को चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 का रजिस्ट्रेशन है बाकी आपको, और बोनाफाइड के लिए आपको पोर्टल बन जाता है, वहीं से पे करना है, जैसे भी जिस माध्यम से आप एडमिशन लियो उसके पास देना होता है पैसा, आपको पे कर देता है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं वीडियो अब कंटिन्यू डालूंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन आपका जो भी होगा कमेंट में जरूर डाल देना आप लोग, ठीक है। थैंक यू।